أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم लाऊं वो तिनके कहीं से आशियाने के लिए, बिजलियां बेताब हों जिनको जलाने के लिए। वाय नाकामी, फलक ने ताक कर तोड़ा उसे, मैंने जिस डाली को ताड़ा आशियाने के लिए। आंख मिल जाती है हफ्ता दो दुमिल्लत से तेरी, एक पैमाना तेरा सारे जमाने के लिए। दिल में कोई इस तरह की आरजू पैदा करूं, लौट जाए आसमां मेरे मिटाने के लिए। जमा कर खिरमन तो पहले दाना दाना चुन के तू, आ ही निकलेगी कोई बिजली जलाने के लिए। पास था नाकामी सयाद का ऐ हम सफीर, वरना मैं और उड़ के आता एक दाने के लिए। इस चमन में मुर्ग दिल गाए ना आजादी का गीत, आह ये गुलशन नहीं है ऐसे तराने के लिए। एक मतलब, इस गजल का मतलब अगर क्लासिकी रवायत के हवाले से देखा जाए तो इसमें कोई नुदरत नजर नहीं आती, लेकिन इकबाल की तख्लीकी एज के हवाले से जब इसका जायजा लिया जाए तो बकौल इकबाल, अपने घर की तामीर के लिए ऐसे अफराद को जमा कर रहा हूँ जो हिम्मत और पामर्दी के साथ इन अनासिर के खिलाफ सफ आरा होने की सलाहियत रखते हों जो इस घर की तखरीब के दरपे हैं। दूसरे शेर में वो कहते हैं कि मेरी महरूमी का ये आलम है कि मैंने अपना अशियाना बनाने के लिए जिस शाख का इंतखाब किया था, फलक कज रफ्तार ने उसी शाख को मशक सितम बना दिया। इस शेर में इकबाल अफराद की वसत कलबी के हवाले से कहते हैं कि अगर हम सब मजाहिब को एक ही नजर से देखें तो इख्तलाफ और तफरके की गुंजाइश नहीं रहती। इस गजल का चौथा शेर भी मानवी सतह पर मतला के ममासिल है, इसलिए इसकी तशरी भी पहले शेर की मानिंद होगी। ये अजीब बात है कि गजल का अगला यानी पांचवा शेर कदरे यही मफहूम लिए हुए है जो मतला और चौथे शेर का है। मानी, हम सफीर, हम आवाज, हम नवा, मतलब दरअसल ये पूरी गजल ही क्लासिकी रवायत से हम आहंग है और यही वजह है कि इसके अशआर में जो मजामीन बांधे गए हैं वो भी रवायती हैं। छठे शेर में इकबाल अपने किसी दोस्त को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि फिलवक्त मुझे अपने दुश्मन की नाकामी का पास था, वरना किसी परिंदे की तरह मैं महज एक दाने की खातिर अपनी आजादी से क्यों महरूम होता। आखिरी शेर में कहा गया है कि मेरे वतन की हालत जार ऐसी है कि यहाँ आजादी के तराने लापने वाले भी बेमानी समझे जाते हैं और ये सारी बात बेमानी तसव्वुर की जाती है।